मॉर्निंग क्लास फोर, चलिए हिंदी की बुक, हिंदी व्याकरण और हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी की बुक में पाठ आठ विशेषण खोल लीजिए। मैंने इसे पढ़ाया था, आपको कहा था इसे घर पर पढ़िएगा। फिर इसके अभ्यास प्रश्न आपको करवाने हैं। अभ्यास प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। अभ्यास प्रश्न के लिए सोचिए और बताइए मौखिक अपनी माँ के बारे में ऐसे पांच वाक्य बोलिए जिसमें विशेषण शब्द आए हो। तो ये आपको अपने से बोलना है, अपनी माँ के बारे में ऐसे पांच वाक्य बोलिए जिसमें विशेषण शब्द आए हो। सेकंड, जिराफ की गर्दन कैसी होती है? आपको पता है तो जिराफ की गर्दन लंबी होती है। हिरन के सिंह कैसे होते हैं? नोखीले और सुंदर। खरगोश की दांत कैसी होती है? हाथी के कान कैसे होते हैं? तो ये आपको अपने से बताने हैं। हाथी के कान लंबे होते हैं, खरगोश के दांत भी नोकीले होते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने प्रश्न उत्तर लिखने के लिए अपनी कॉपी निकालिए और उस पर प्रश्न उत्तर की हेडिंग डालिए। कॉपी निकाल लिए, कॉपी में से उत्तर ऊपर लिखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर वन है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के भेदों के नाम लिखिए जो शब्द संज्ञा शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। तो ये चार भेद हो गए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, विशेषण और विशेष में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, लंबी कहानी, हरा अमरूद, ताजी सब्जियां। विशेषण लंबी, विशेष कहानी, हरा अमरूद। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर। फिर से बता रहे हैं, विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे लर्न कीजिएगा। अब आइए बुक पे, नंबर थ्री है, नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनके लिए उचित विशेष लिखिए। विशेषण विशेष, चौकोर खड़ी, कंजूस सेठ, ताज़ा फल, पुरानी किताब। विशेषण विशेष, दो केले, नमकीन, पानी, सफ़ेद कमीज, आधा मीटर रस्सी। अब नीचे आइए, नीचे दिए गए विशेषण के विलोम अर्थ वाले विशेषण लिखिए। विलोम अर्थ वाले विशेषण, कोमल कठोर, बुद्धिमान मूर्ख, चुस्त कमजोर, ज्ञानी अज्ञानी। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, ऊंचा नीचा, सुगंध गंध, कायर वीर, धनी गरीब, काला गोरा, अंधेरी रोशनी, परिश्रमी आलसी, खुशबूदार बदबूदार। तो ये विलोम शब्द वाला है। नीचे देखिए, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, सही विशेषण तथा विशेष पहचान कर चित्र के नीचे लिखिए। तो इसमें शब्द दिए हुए हैं, अंगूर, आकाश, लोमड़ी, चिड़िया, आम, तितली, हाथी, चाय, पेड़। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए उपयुक्त विशेष लिखिए। यहाँ देखो दिया हुआ विशेषण, दिया विशेष हमें लिखना। गोला हसमुख, विशेष क्या होगा? चेहरा। सफ़ेद चमकदार, विशेष क्या होगा? दांत। सफ़ेद क्या है? चमकदार दांत है ना। टेढ़ा मेढ़ा, पथरीला, पर से पथरीला तो क्या होगा? रास्ता। मोटी और रोचक, मोटी भी है और रोचक भी है तो क्या होगा? किताब। लालची चतुर, लालची और चतुर क्या होता है? लोमड़ी। विशेष क्या हो गया? लोमड़ी। धनी गोल मटोल, ये क्या है? आदमी, आदमी धनी भी है और गोल मटोल भी है। चित्र देखकर उचित विशेषण लिखिए। उसका विशेषण लिखना है, बड़ी लंबी मूछ, रसीला मीठा आम, लाल गुलाब फूल। समान अर्थ वाले विशेषण पर सही का निशान लगाइए। स्वच्छ
साफ, सुंदर, खूबसूरत, वीर, बहादुर, कठोर, शक्त, अभिमानी, घमंडी। ये हो गया। आइए कुछ करें। इस कविता को पढ़कर विशेषण शब्द पर गोला लगाइए। अब इसको आपको अपने से करना है, वैसे पढ़ना है और इस पर आपको गोला लगाना है। ये आपका HW होमवर्क है, ये आपको अपने से करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।